तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीक्स, रिमर और अपडेट के बारे में। यहाँ पर सबसे पहला अपडेट है वो है एप्पल के मैकबुक प्रो के बारे में है। तो यहाँ पर मैंने रिसेंट जो वीडियो बनाई थी लीक्स एंड रिमर की, वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो एप्पल का मैकबुक प्रो है विद इंटेल कोर i9 उसमें थर्मल इश्यूज आ रहे हैं, थर्मल मैनेजमेंट उसका अच्छा नहीं है। जो लैपटॉप है वो थर्मल थ्रॉटल हो जा रहा है, वो इंटेल कोर i9 की जो बेस फ्रीक्वेंसी है 2.9 GHz उसमें तक वो अच्छे से चल नहीं पा रहा है, वहाँ बेस फ्रीक्वेंसी तक में वो स्टेबल नहीं है, उससे भी थर्मल थ्रॉटल हो रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर एप्पल ने अपना रिपोर्ट दिया, स्टेटमेंट दिया और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि उनका जो मैकबुक प्रो है इंटेल कोर i9 के साथ में वो थर्मल थ्रॉटल हो रहा है, उसमें थर्मल इश्यूज वगैरह है। इसके ऊपर एप्पल ने एक पैच रिलीज किया है, स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी अपडेट। इस अपडेट के बाद में जो मैकबुक प्रो है कोर i9 के साथ में वो काफ़ी ज़्यादा अब स्टेबल हो गया है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ठीक है, जो थर्मल इश्यूज थे वो सॉल्व हो गए हैं लगभग। यहाँ पर एप्पल का कहना है उसमें कुछ माइक्रो कोड मिसिंग थे थर्मल, जिसके वजह से जो थर्मल मैनेजमेंट है वो फर्मवेयर अच्छे से कर नहीं पा रहा था। लेकिन इस अपडेट के बावजूद भी जो मैकबुक प्रो है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है कोर i9 के फुल पोटेंशियल को। डेफिनेटली वहाँ पर जो हार्डवेयर लेवल में जो कूलिंग सोल्यूशन है वो अच्छी होनी चाहिए, वो इतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि लैपटॉप का जो डिज़ाइन है वो उस तरीके से नहीं बना हुआ है। फिर भी जो चीज़ें हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक तरीके से रन हो रही हैं। अब देखते हैं इन फ्यूचर एप्पल अपने क्या कुछ अलग करता है मैकबुक प्रो के डिज़ाइन में, जिससे वो कोर i9 के फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाए। अगला अपडेट है वो है क्वालकॉम की तरफ से। यहाँ पर क्वालकॉम ने अनवील कर दिया है 5G मिलीमीटर वेव एंटीना, और ये जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है स्मार्टफोन्स और अदर मोबाइल डिवाइसेस के लिए। 5G एंटीना को इंटीग्रेट करना स्मार्टफोन में इतना ज़्यादा इजी टास्क नहीं था, उसमें कई सारे प्रॉब्लम थे डिज़ाइन वाइज, और भी कई सारे चीज़ें हैं इसमें, कुछ ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्वालकॉम ने इसे अनवील कर दिया। उम्मीद है कि आने वाले एक दो साल में आपको एक आध स्मार्टफोन तो शायद मिल जाएगा जिसमें 5G टेक्नोलॉजी होगी, 5G को वो सपोर्ट करेगा। अब ये 5G कब तक रिलीज़ होता है, कब तक रोल आउट होता है, इसके बारे में कोई कमेंट मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब अभी टेस्टिंग में ही चल रहे हैं। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कौन सा सबसे पहला स्मार्टफोन रहता है जो 5G एनेबल रहता है। अगला जो अपडेट है वो है CERTCC की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि जो मल्टीपल ब्लूटूथ डिवाइसेज है वो अफेक्टेड हैं इंक्रिप्शन वल्नरेबिलिटी से। और यहाँ पर ये जो वल्नरेबिलिटी है वो करता ये है कि जो ब्लूटूथ का जो पेयरिंग होता है वो इनसिक्योर बना देता है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है उनका ये कहना है कि ये जो वल्नरेबिलिटी है वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है, बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, क्योंकि जो अटैकर है जो भी दो डिवाइसेज हैं जब वो पेयर हो रहे हैं अटैकर को उस बीच में उनके पास रहना है, और वहां पर एक छोटा सा टाइम विंडो मिलता है जिस बीच में वो अटैक कर सकता है। तो यहां पर इसको इतना ज्यादा बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं बताया जा रहा है इसको, लेकिन फिर भी यहां पर जो कंपनीज हैं इसके पैचेस वगैरह आपको रिलीज करना शुरू कर दिए हैं, तो आप भी अपडेट कर लीजिए अपने डिवाइसेस को, आप सेफ रहेंगे। अगला है वो एक लीक है इंटेल के 9th जनरेशन कॉफी लेक प्रोसेस के बारे में। तो इंटेल इस बार शायद कुछ नई चीजें करने वाला है अपने प्रोसेस के साथ में। जैसे लीक ये आ रही है कि इंटेल इस बार यूज करने वाला है सोल्डर्ड या फिर लिक्विड मेटल चिप और IHS के बीच में। अभी IHS क्या होता है? IHS होता है इंटीग्रेटेड हीट स्प्रेडर, जो आप प्रोसेसर के ऊपर में जो मेटल प्लेट देखते हैं उसके नीचे रहता है मेन चिप। तो उसके बीच में वहाँ पर इंटेल कुछ नई चीज़ें यूज़ करने वाला है, जिससे जो हीट डिसिपेट है वो अच्छे से हो और जो हमारे जो थर्मल्स हैं जो हीट है वो काफ़ी अच्छे मिले, यानी कम मिले और परफॉर्मेंस अच्छी रहे। वहीं पर कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी लीक होकर आए हैं इस 9th जनरेशन CPU के बारे में। जैसे कि इंटेल का कोर i9 9900K है वो रहेगा 8-core 16-thread का प्रोसेसर, जिसमें आपको बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो रहेगी 5 GHz की। अगेन ये जो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो माना जा रहा है कि वो ऑल कोर में शायद आपको ना मिले। अब देखते हैं लॉन्च होने के टाइम में ये कितने कोर्स में हमें देखने को मिलती है। वहीं पर इंटेल का जो कोर i7 9700K है वो में रहेगा 8-core 8-thread का प्रोसेसर, यानी इस बार शायद आपको किसी भी टाइप की हाइपर थ्रेडिंग इस प्रोसेसर में नहीं देखने को मिलेगी, 8 कोर आपको मिल रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात रहेगी अगर मिल जाए तो। यहां पर इसकी जो बूस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी 4.9 GHz, अगेन ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगी शायद ऑल कोर्स में आपको ना मिले। वहीं पर कोर i5 9600K है वो मिलेगा आपको 6-core 6-thread का प्रोसेसर, तो ये पुराने कोर काउंट में ही है, इसमें कुछ नया शायद नहीं दिया जाएगा आपको। और इसकी जो बूस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी 4.6 GHz की। यहाँ पर कोर i9 और i7 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये सभी प्रोसेसर 14nm++ टेक्नोलॉजी में बने होंगे और 95W की TDP वैल्यू रहेगी। लेट्स सी इंटेल इस बार क्या नई चीज़ें करता है, और अगेन ये जो स्पेसिफिकेशंस है जो भी चीज़ मैंने बताया है ये लीक्स है, र्यूमर्स है, तो एकदम ज़्यादा आप हार्ड बिलीव करके मत रहिएगा। अगला जो लीक निकल के आ रहा है वो है एनवीडिया के न्यू ग्राफिक कार्ड के बारे में है। तो एनवीडिया का जो न्यू जनरेशन ग्राफिक कार्ड है 1100 सीरीज ग्राफिक कार्ड है, उस ग्राफिक कार्ड का काफ़ी सारे यूजर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी सारे यूजर्स ईगरली वेट कर रहे हैं कब वो लॉन्च होंगे। लेकिन एनवीडिया इस बारे में कुछ क्लियरली कह नहीं रहा है, इस लॉन्च को डिले करता जा रहा है। कहाँ ये जुलाई में होना था, अभी अगस्त आने को है, तो वहाँ पर काफ़ी समय से ये डिले हो रहा है, क्योंकि
जो पुराने ग्राफिक कार्ड का जो स्टॉक इतना ज़्यादा है कि एनवीडिया खुद मजबूर हो गया है नए लॉन्चेस को रोकने पर। लेकिन यहाँ पर एक लेटर लीक हो गया है, बेसिकली एक लेटर लीक हुआ है ईमेल के थ्रू और वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पुराने ग्राफिक कार्ड का स्टॉक के कारण जो नए लॉन्चेस है उनको रखा गया है 30th अगस्त 2018 को। यानी 30th अगस्त 2018 को आप देख पाएंगे 1180 का लॉन्च और उसके एक महीने बाद 30th सितंबर को आप देख पाएंगे 1170 और 1180 प्लस का लॉन्च। तो यहाँ पर जो 1180 प्लस है वो TI है कि कुछ नया सीरीज़ है ये अभी कंफर्म नहीं है। और 30th अक्टूबर को आप देख पाएंगे 1160 का। तो लेट्स होप कि अब इससे ज़्यादा डिले ना हो, लेकिन अगेन ये कोई कंफर्म डेट्स वगैरह नहीं है, ये लीक है, एक लेटर है। वो लेटर कहाँ से आया, किसके है, वो भी अभी कुछ अता पता है नहीं। तो बस और यहाँ पर 1170 का एक बेंचमार्क लीक होकर आया है जहाँ पर वो 2500 मेगाहर्ट्ज पे वर्क कर रहा है जो कि एकदम मैसिव फ्रिक्वेंसी है और उसका जो बेंचमार्क स्कोर है वो 1080 TI से थोड़ा ज़्यादा है। तो जो 1170 है वो 1080 TI से ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो सोचिए कि जो 1180 है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और अगर ये बेंचमार्क ट्रू है तो ये अब तक के फास्टेस्ट और पावरफुल कार्ड होंगे, जिसका जवाब अभी AMD के पास भी नहीं है क्योंकि AMD के जो वेगा 6456 वगैरह काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं और जो 7 नैनोमीटर के ग्राफिक कार्ड आने हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो लेट्स होप कि ये जो नए ग्राफिक कार्ड है वो इस साल जल्दी आ जाए क्योंकि अब इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं होने वाला है। सो गाइज, यही कुछ लीक्स, रूमर्स और अपडेट थे। और हाँ, अगर आप अभी तुरंत में ग्राफिक कार्ड खरीदना चाहते हैं अच्छे प्राइस में, तो अभी एनवीडिया की वेबसाइट में ग्राफिक कार्ड है वो अभी स्टॉक में है, 1080 Ti, 1070, 1060 वगैरह, तो आप जाके परचेस कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन में भी क्लिक करिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। सो गाइज, दिस इज प्रसन्न मालविया एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।